أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لایا جائے اس کتاب اور پیغام کو جو وہ لے کر آیا ہے، اور اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کیا جائے جیسا کہ ہمارا رسول کرتا ہے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں، اے محمد، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سرے تسلیم خم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث بنتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے، ہدایت کے اوپر چلاتے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے
और उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। कुछ ऐसे हैं ये रफ़ीक जो कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक जो किसी को मैसर आए। ये हकीकी फ़ज़ल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने वालों के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। नाज़रीन, ये आयत सूरह अन्निसा की 64 से लेके 70 तक 6 आयतों का तलावत और तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। इसमें अल्लाह तबारक व ताला कैटेगरिकली ऐलान करता है कि ईमान के लाख दावे हों, लेकिन उस वक्त तक जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुकम्मल अताअत नहीं की जाएगी, ईमान का सबूत पूरी सदाकत और सच्चाई के साथ नहीं दिया जाएगा। और फरमाया कि ये जो दावा ईमान है इसमें कोई सच्चाई नहीं है जब तक जो ईमान के दावेदार हैं वो अल्लाह के रसूल को अपने लिए हाकिम न बना लें और अल्लाह के रसूल के किए हुए फ़ैसलों को पूरी खुशदिली के साथ तस्लीम न कर लें। और अगर ऐसा न करें तो फिर इनका दावा ईमान बिल्कुल सच्चा नहीं है। एक वाक़या है कि एक साहब जो मोमिन थे उनका और एक यहूदी का कोई तनाज़ा था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और यहूदी के हक़ में फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। तो उसके बाद जब बाहर निकले तो उसने जो मुसलमान था उसने कहा कि अब उमर के पास चलते हैं। तो वो उमर के पास गए, फिर यहूदी ने सारा वाक़या बयान किया कि हम इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और हमने अपना मुकदमा उनके सामने पेश किया था और अल्लाह के रसूल ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। अब ये मेरा भाई है, ये कहता है कि आपके पास आया जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हों ने अपनी तलवार निकाली और उस मुनाफिक की गर्दन उतार दी और कहा कि फ़ैसला इस जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मेरे पास आए उसकी सज़ा मौत के अलावा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जो लोग ईमान के दावेदार हैं अगर ये सच्चे अपने ईमान में होते तो अल्लाह आसमानों से रहमतें इनके लिए बहा देता, लेकिन इनका आलम यह है कि ये नफाक की बीमारी का शिकार हैं। ये कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, शैतान के बहकावे में आकर ये सच्चाई को पूरी तरह से कबूल नहीं करते। और अगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानते और अल्लाह के बताए हुए रास्ते को और रसूल के तरीक़े को अपनाते तो इससे अल्लाह ताला इनके ऊपर खूब फ़ज़ल करता, इनको साबित कदमी अता होती, और जब वो ऐसा करते तो अल्लाह ताला इनको बहुत ही बड़ा अजर दुनिया में फतह और कामरानी की सूरत में देता, इनको हिदायत का रास्ता दिखाता। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे उन लोगों के साथ होंगे जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। वो हैं अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, जो सच्चे मोमिन हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं और जो नेक लोग हैं। और ऐसी रफाकत किसी को मैसर आए ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है। हकीकत जानने वालों के लिए अल्लाह ही का इल्म काफ़ी है। तो फरमाया गया कि अगर लोग
अल्लाह के ऊपर भरोसा करें और उसकी किताब के ऊपर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें और शिर्क और बिदत से बाज आ जाए और अपनी ज़िंदगियों को अपने रब के अहकामात के मुताबिक तरतीब दें, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में कमज़ोर या ताकत कम होने के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ कुव्वत अता करेगा, उनको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। और सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी तो इंसान के लिए, मोमिन के लिए ये है कि उसको जहन्नुम से निजात मिल जाए और अल्लाह की जन्नतों में दाखला मिल जाए और वहाँ उसको अंबिया, सुला, शहदा और सच्चे और नेक लोगों की सोबत मयस्सर आ जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और सारी दुनिया को अपने रब की ये बात सुनने, समझने, पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता ही हकीकी रास्ता है, एक ही रास्ता है जो अल्लाह ने बताया है, वो सिरात मुस्तकीम है। अकूलु कौली हाजा, अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वसाइरिल मोमिनीन।